नमस्कार दोस्तों, आपको एक नई वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा सुंदरबन का गांव का एरिया, गांव का इलाका कैसा होता है, सुंदरबन कैसा होता है। मैं अभी जहां पर हूं, ये इसका जगह का नाम है लेबुखाली। तो लेबुखाली सुंदरबन का आप शुरुआत बोल सकते हो, यहां से शुरू होता है और इसके आगे मतलब जितना डीप में जाओगे तो सुंदरबन उतना डीप होता जाएगा। तो ये भी सुंदरबन का एक पार्ट है। तो आज मैं आपको घूम के दिखाऊँगा लेबुखाली, उस पार भी जाऊंगा दुलदुली। तो पूरा इस एरिया को कवर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि सुंदरबन का लाइफस्टाइल, यहाँ का लोग कैसा रहता है, लाइफस्टाइल कैसा होता है। पूरा एरिया घूम के आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। जो भी मेरा सामने आएगा मैं उसको एक्सप्लोर करते जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। तो सामने देखो, ये जो नदी है, इस नदी का नाम है कालिंदी। और ये बच्चा अभी जा रहा है स्कूल में, उसका स्कूल है भाई। तुम्हारे स्कूल यही पास है ना, वही साइड स्कूल? अच्छा, तो इस बच्चे का जो स्कूल है वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, इसलिए इस साइड में है। लेकिन जो हाई स्कूल में पढ़ता है उन लोगों के लिए स्कूल जाना पड़ेगा उस तरफ। उस तरफ मतलब इस तरफ का नाम है भंडारखाली। भंडारखाली के आगे एक जगह है, वो जगह का नाम है हथगाछा। अच्छा, यहाँ पर देखो कोई भाई मच्छी पकड़ रहे भाई। माछ की बेदे से মাছের জন্য নাকি এটা? আচ্ছা, এটা কি সিস্টেম? ও এই যে এই যে, তাই তো। দেখো ভাই ভাই মাছি পকড়া, এ দেখো এ হুক হে, ইয়াঁ পে এক ফিশ বাঁধা হুয়া হে। আর ইসকো এক কোই ফিশ খায়েগা আর এক বড়া ফিশ আনে কা সম্ভাবনা হে। চলো ফির সে দেখতে হে মাছি পকড়নে কা তরিকা দেখো। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওই अभी तक एक मच्छी हुआ है भाई? हाँ, बड़ा मच्छी है। अच्छा, वो जो आप जो चारा फेंके है उसमें जेटा फैला है ना, उतने कतो बड़ो माच बाधा संभावना आछे? पाँच के जी, सात के जी। तो जो भाई ने चारा फेंका है ना, छोटा मच्छी का चारा, उस चारा में 5-7 kg का माच भी मतलब आता है। चलो देखते हैं हमारा लक में क्या होता है। বোঝা যায় নাকি টান দিলে? তার মানে এখনো খাইনি। জব মাছি ওস চারা কো খাতা হয় না, তো ইহাঁ পে ভাই সমঝ পায়েগা উসকো, ও জো জো রসি হে, উস রসি কো খিঁচতা হে মাছি। চলো দেখতে হে কুছ আতা হে ইয়া নাহি। নদীতে জাল টানবে মানে জোয়ার চলে এসছে তাই? আবি দেখো ইস নদী মে পুরা জোয়ার আ গয়া হে, আবি আবি পানি আবি ভি উপর মে আয়েগা। এ জল এখন বাড়বে না ভাই? আর কালকে ছিল গুরু পূর্ণিমা, কাল গুরু পূর্ণিমা থা, গুরু পূর্ণিমা কে বাদ পূর্ণিমা কে টাইম মে পানি জাদা হতা হে, তো আবি ভি পানি উপর মে আয়েগা। আর ও জো ইহাঁ পে জো জাল ফেকা হে লোক, ও সব খিচেগা না আবি? এখন টানবে? আচ্ছা, ওটা কি ভাটার সময় টানবে না জোয়ারের সময়? ভাই ভাটার সময় মানে জোয়ারের সময় মাছটা বাঁধবে, ভাটা হয়ে যাবে, তারপরে উঠাবে। আচ্ছা, তো ওই যে ওইগুলো তো, ওই যে ওগুলো নৌকায় করে? ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে এই 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 পাশ দিয়েই মানুষ জাল টানবে? ও আবি তো জোয়ার হে, জব জোয়ার কা পানি চলা যায়গা না, জব ভাটা হোগা তব ইহাঁ পেই লোক জাল ফেঁক কে মাছি পকড়েগা। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওহাঁ পে এক লোক জাল ফেঁক রা হে। এখনো কিছু বাঁধেনি? তো মাছি কব আয়েগা পতা নেই, হমকো এসেই রহনা পড়েগা। চলো তো হম কিতনা দের ওয়েট করেঙ্গে, আব ও মাছি কব আয়েগা হমকো ভি পতা নেই, উস ভাই কো ভি পতা নেই, সিরিফ ও মাছি কো পতা হে। তো চলো হম ওয়েট নেই করতে হে, সামনে জাতে, সামনে जाते हैं और आपको घुमा के दिखाते हैं पूरा एरिया। और ऐसे देखो, इस गांव में ऐसा छोटा छोटा बैठने का जगह है, और ये बहुत ही एक अच्छा जगह है बैठने के लिए, क्योंकि सामने का जो व्यू आता है ना, व्यू बहुत ही मस्त है। सामने पूरा नदी है, नदी के सामने से अच्छा एक व्यू आता है, बैठने का एक अच्छा जगह है। और ये जो आप जो पेड़ देख पा रहे हो ना, ये पूरा मैनग्रोव का जो पेड़ होता है वो मैनग्रोव का ही पेड़ है।
देखो पानी कितना भर गया है यार। वो देखो वो जो सामने पेड़ है ना, वो पेड़ का पूरा आधा देखो पानी में अंदर चला गया, पानी के अंदर। एरिया देखो यार कैसा है पूरा। यहाँ पे देखो छोटा सा एक दुकान, घुमटी जैसा है पूरा, घुमटी आप बोल सकते हो। और सामने एक घाट है, उस घाट से लोग सब जाते हैं उस तरफ, उस तरफ मतलब भंडार खाली की तरफ। और उस तरफ और एक जगह है, उसका नाम है दुलदुली। और ये जो जगह है ना, ये जो नदी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे तीन नदी एक साथ में मिले हुए। तीन नदी का नाम है रायमंगल, कालिंदी और गौरेश्वर। और यहाँ का लोग यार कितना गरीब, आपको यार देख के पता चल जाएगा, ऐसे ही रहते हैं यहाँ का लोग। और ये जो लोग आप देख पा रहे हो ना, यहाँ का लोग ज़्यादातर पूरा नदी का जो मच्छी होता है वो मच्छी पकड़ के ही उनका संसार चलता है, उनका लाइफ पूरा ऐसा ही चलता है। ये पूरा घर देखो यार, ये देखो एक अंकल नाव लेके आ रहा है मच्छी पकड़ कर। माछ बेचे से ना कि এবার বেশি পড়িনি। আচ্ছা আপ দেখো यार ये नजारा कैसे दिख रहा है। तुम लोग पढ़ाई करते हो, स्कूले जाओ, तुमरा स्कूले जाओ। तुम्हें कौन स्कूले पढ़े, कोई कौन क्लासे पढ़ो? एट है। अरे ये बोन थ्री ते पढ़े। वो जो बड़ा लड़की बैठी है वो एट में पढ़ती है, और ये छोटा वो थ्री में पढ़ती है। और ये जो बच्ची लोग सामने देखो वो स्कूल में जा रही है, तो वो सब हाई स्कूल में पढ़ते हैं। और हाई स्कूल यहाँ पे उस तरफ जाना पड़ेगा, इस तरफ हाई स्कूल नहीं है, मतलब इस तरफ हाई स्कूल है खाली में, लेकिन वो बहुत दूर में। और ये देखो यार कैसा लाइफ स्टाइल है इन लोगों का, पूरा एरिया देखो। তোমাদের স্কুল কি হাতগাছাতে? হ্যাঁ, উস তরফ না। यार यहां का लाइफस्टाइल आप देखोगे तो आप पूरा चौंक जाओगे। पूरा इंडिया में ऐसा लाइफस्टाइल सिर्फ अंडमान में है, और एक सुंदरबन में ऐसा पूरा आपको देखने को मिलेगा। तो हम अभी उस तरफ जाएंगे, उस तरफ जाके भी आपको दिखाएंगे पूरा लाइफस्टाइल, कल्चर पूरा कैसा है इस एरिया का पूरा दिखाएंगे। तो चलो यार सामने सामने हम घाट के तरफ जाएंगे अभी। देखो एक मोड़ जैसा है, एक छोटा सा बाजार है लेबू खाली का, तो यहाँ के यहाँ से ही घाट है। आपको मैं घाट दिखाता हूँ, और यहाँ से हम जाएंगे दुलदुली की तरफ। ये देखो घाट, देखो बहुत सारे लोग यहाँ से ही पार होता है, यहाँ से पार होके उस तरफ जाएंगे सब लोग। तो कोई यहाँ से जा रहा है भंडार खाली की तरफ, और यहाँ से कोई जा रहा है दुलदुली की तरफ, तो हम जाएंगे दुलदुली की तरफ। चलो दादा, दुलदुलिर जन कत? तीन। तो देखो इतना कम टाइम में कितना ज़्यादा लोग हो गए, ये सभी लोग जाएंगे उस पार में, तो हम भी जाएंगे। चलो यार, और यहाँ से बाइक भी पार होता है इस नाव से। पानी अभी भी बहुत बढ़ेगा, एखो जल बाढ़ बनाएगा, पानी अभी भी ऊपर आएगा। तो जो लोग भंडार खाली की तरफ जाएंगे वो इस तरफ जाएंगे, और दुलदुल इस तरफ है ना, दुलदुल ये दिखे, तो वो सारे ना इस तरफ ही आएंगे। जो लोगों का भंडार खाली जाना है इस तरफ जाएंगे, तो हमें जाना है इस तरफ। कुछ लोग फिर जाएंगे उस तरफ, मतलब ये नाव जाएंगे दुलदुली के घाट की तरफ।
देखो अब मैं इस नाव के ऊपर चलाया हूँ और ये नाव जाएंगे दुलदुल की तरफ अभी। चलो यहाँ पर ही रह जाएंगे। सामने ओ नाव देखो, ओ नाव आ रहा है पूरा दुलदुली से। अभी ओ नाव भी इस घाट की तरफ आएगा और यहाँ पे कुछ लोग उतरेंगे और यहाँ से कुछ लोग जाएंगे भी, जाके ओ नाव जाएगा पूरा भंडारखाली की तरफ। तो ऐसा ही यहाँ का व्यवस्था है पूरा। तो अभी हमारा नाव देखो इस घाट से सामने दुलदुली की तरफ जा रहा है और इस घाट का नाम है लेबूखाली घाट। और वो जो नाव आप देख पा रहे हो ना पीछे से आया था, वो नाव अभी यहाँ पर आया और फिर से यहाँ से जाएंगे भंडारखाली की तरफ। तो जिस नदी के ऊपर से हम जा रहे हैं, इस नदी का नाम है गौरेश्वर नदी। हमारा घाट भी सामने चला आया। घाट देख पा रहे हो, ये दुलदुली का घाट है। तो अभी हम जिस घाट में चले हैं, इस घाट का नाम है दुलदुली का घाट, दुलदुली का जेटी घाट आप बोल सकते हो। अभी मैं हूँ जहाँ पर, ये है दुलदुली के इस तरफ और यहाँ पे देखो इस घर का हालत कैसा है। ऐसे बहुत सारे घर हैं यहाँ पे सुंदरबन का लोग, मतलब पूरा ही वो नदी के ऊपर पूरा डिपेंड है। नदी से जो मच्छी पकड़ते हैं, मच्छी बेच के ही उनका लाइफ चलता है ज़्यादातर लोगों का जो नदी के आसपास रहता है। तो ऐसा एक घर देख के मैं ऊपर की तरफ अभी आ रहा हूँ। और सीढ़ी देखो यार, सीढ़ी कैसा बनाया है। यह है नदी देखो, इस नदी के सामने ये घर। ऐसे बहुत सारे घर हैं आजू बाजू में देखो, और सब घर का हालात, सब घर का पूरा जो कंडीशन है ना, वो एक ही जैसा है पूरा। সব চিংড়ি না দাও একটা চিংড়ি দাও দিন দা দাদু না 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 আমি দোন ফেলবো না দাল না এটা তো দোস্তো मैं दुलदुली से साहेबखली तक चला आया हूँ। ये देखो अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ना, इस गांव का नाम है साहेबखली और इस गांव का उस तरफ, मतलब ये सामने जो नदी है, नदी के उस तरफ है बांग्लादेश। और देखो पूरा ये बारिश के अंदर मैं वीडियो कर रहा हूँ। और सामने जो आप देख पा रहे हो एक बिल्डिंग, ये है यहाँ का हॉस्पिटल। तो यहाँ का नज़ारा आप देखो यार, बहुत ही लाजवाब नज़ारा है। ये सामने जो आप नदी देख पा रहे हो, नदी में अभी जोर आया है, जोर का टाइम है, बारिश हो रहा है यार। ये नज़ारा ना बहुत ही अच्छा है यार, ये लोकेशन लाजवाब लोकेशन है। तो ये अभी मैं साहेबखली चला आया हूँ, अभी थोड़ा सा आपको घूम के दिखाऊंगा मैं साहेबखली, इस जगह कैसा है, यहाँ का लोग कैसा है, माहौल कैसा है पूरा। तो ये देखो, ये जो सामने आप बड़ा एक बिल्डिंग देख पा रहे हो, ये है यहाँ का हॉस्पिटल। ये देखो हॉस्पिटल अभी बंद है, लेकिन फिर भी चलो आपको दिखा के आता हूँ मैं, हॉस्पिटल का नज़ारा कैसा है यहाँ का सब कुछ। ये देखो ये हॉस्पिटल, लेकिन ये हॉस्पिटल में हफ्ता में 3 दिन एक डॉक्टर आता था, लेकिन अभी कोई डॉक्टर नहीं आता है और हॉस्पिटल करीब बंद ही है, बंद ही पड़ा है बहुत दिनों से, हॉस्पिटल पूरा बंद है। ये नया बिल्डिंग है, वो सामने वाला पुराना बिल्डिंग, लेकिन पुराना बिल्डिंग और नया बिल्डिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर ही नहीं आता है। ये देखो यार पूरा नज़ारा। ये देखो यार नज़ारा। और ये जो आप सामने बिल्डिंग देख पा रहे हो, ये बिल्डिंग
ये पुराना बिल्डिंग है हॉस्पिटल का, उस तरफ भी एक बिल्डिंग है, वो अभी उतना नहीं टूटा है, ये ज़्यादा टूट गया है, ये ज़्यादा पुराना है। ये देखो, और सामने वो वाला है तालाब, हॉस्पिटल का तालाब है वो। इस तालाब में गांव का सभी लोग आते हैं नहाने के लिए। ये देखो पूरा नज़ारा, बहुत ही लाजवाब खूबसूरत नज़ारा है। देखो ये हॉस्पिटल का तालाब, यहाँ पे देखो एक घाट भी है, ये सामने हॉस्पिटल। अब चलो हम बाद के ऊपर जाते हैं, जो इस रास्ते पे मैं खड़ा था ना वो बाद है, अभी हम ऊपर जाएंगे। तो ये देखो अभी मैं जो जगह के ऊपर चढ़ रहा हूँ ना, ये जो नदी है, नदी का आप बाद भी बोल सकते हो इसको, ये बाद भी है और रास्ता भी है इस गांव का। तो पूरा सुंदरबन एरिया में आप जहाँ पे भी जाओ, नदी के आसपास जो आपको बाद दिखेगा, बाद के ऊपर ही आपको रास्ता दिखेगा, रास्ते से ही लोग जाते हैं और ये रास्ता ही बाद का भी काम करते हैं। और ये जो रास्ता से मैं अभी चल रहा हूँ ना, यहाँ पे BSF तैनात रहता है। सामने जो आप वो ब्लैक ब्लैक जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है वो पूरा बांग्लादेश एरिया है, उस तरफ बांग्लादेश के कैंप भी है। तो चलो यार पूरा आपको नज़ारा दिखाता हूँ, देखो इस गांव का नज़ारा। ये देखो ये है लेडीज़ टॉयलेट, ओनली फॉर महिला प्रहरी, यहाँ पे BSF रहता है, तो लेडीज़ BSF के लिए ये टॉयलेट है। और देखो हम जेंट्स लोगों का नसीब ही बुरा है, जेंट्स लोगों का टॉयलेट अभी मैं दिखा रहा हूँ, जेंट्स BSF का। ये देखो जेंट्स BSF का लेट्रिन ऐसा होता है, देखो क्या बनाया है, देखो यार। और लेडीज़ लोगों का कितना अच्छा है, हम लड़के लोगों का ना नसीब ही बुरा है। देखो गाय यहाँ पे खा रहे हैं, उसका चारा खा रहे हो, देखो यार कैसा है। और यहाँ पे भी BSF रहता है, BSF का वो जो कुछ दूर जाते जाते जो BSF रहता है ना, वो छोटा सा एक क्या कहते हैं आपको, ये छोटा सा चाला जैसा है, इस चाला का नीचे BSF रहता है। तो अभी उनका लंच का टाइम है, इसीलिए अभी नहीं है, इस टाइम में नहीं है, और बारिश भी हो रहा है शायद इसलिए भी नहीं है। सामने ही कैंप है BSF कैंप, यहाँ पे हर घर के सामने एक तालाब आपको दिख जाएगा, वो देखो एक तालाब सामने, क्योंकि यहाँ का लोग ना पानी तो पीने का पानी अभी अभी आया है, जब पीने का पानी मतलब नल का व्यवस्था नहीं था तब ये सब लोग वो तालाब का पानी ही यूज़ करते थे, पीने के लिए, फिर कुकिंग के लिए, सब कुछ के लिए तालाब के पानी ही यूज़ करते थे। अभी भी बहुत जगह ऐसे तालाब के पानी यूज़ होता है, लेकिन नल भी चला है, तो भी पानी यूज़ हो रहा है। अभी देखो यार बारिश थोड़ा सा रुक गया, छत्ता बंद कर रहा हूँ। यार नज़ारा देखो आप, इधर आओ इधर आओ, सामने देखो एक बच्चा आ रहा है। ওটা তোমাদের বাড়ি? ওটা তোমাদের পুকুর নাকি? আমাকে দেখে দৌড়ে চলে এসেছো? পড়াশোনা করা হয়? হ্যাঁ। কিসে পড়ো? সেভেনে। আচ্ছা তোমাদের বাড়ি ওই যে ইয়ে চলে এসছে, নল চলে এসছে, নলের জল? দেখো মে যে বল রা থা না ঘর মে ক্যা নল চলা আয়া হ্যা নাহি, তো নল অভি অভি আয়া হ্যা। নল কা পানি কিতনা দিন আ রা হ্যা, নলের জল কত দিন আসছে? ওই তো মাস চারেক আসছে। আচ্ছা মতলব চার মহিনে হো রা নল কা পানি আ রা হ্যা। নল কা পানি কে আগে আপ লোগ মতলব তোমার তোমরা নলের জলের আগে রান্নার জন্য কোন জল ইউজ করতে? পুকুর জল তো। ये देखो वो जो कुकिंग के लिए नल का पानी तो अभी अभी चार महीने आ रहा है, उसका आगे कुकिंग के लिए सब लोग वो तालाब का पानी यूज़ करते थे, पुकुर जल यूज़ करते ना। और खावा जल ने? खावा जल ने भैटर जल। भैटर जल वो जो काली मंदिर ओखान थे के जल आसे? नहीं। कोई किशर जल कौन जल टा? ये जो भैट आसे, भैट हॉस्पिटल सामने। ओ हॉस्पिटल सामने।
तो वही मैं बोल रहा था, देखो पीने का पानी के लिए जो अस्पताल है, अस्पताल के सामने एक कुछ पीने का पानी का कुछ व्यवस्था है, शायद वहाँ से पानी लेके आता था इन लोग। और पूरा कुकिंग के लिए ये लोग अभी भी डिपेंड है उस तालाब के ऊपर। রান্না করা হয় এই পুকুরের জল দিয়ে। এখন আমি তাই বলছি, জল তো চার মাস এসছে। আমাদের সমস্যা হলো পুকুরের জল আর ডাক্তার, এখানে কোনো ডাক্তার আসে না, কোনো ডাক্তার আসে না, কোনো হাসপাতাল হয়ে বন্ধ, হ্যাঁ কোনো ডাক্তার নেই। আর আমাদের খুব অসুবিধা হয়, এখান থেকে রাত বিরাত গাড়ি পাওয়া যায় না, তারপরে রাত বিরাত পুলিশের, মানে আমার তো বর্ডার সাইডে থাকি, হ্যাঁ বর্ডার, এবার ধরো আমাদের রাত থেকে বিএসএফ কৈফিয়ত দিয়ে যেতে হয়, কিন্তু আমাদের এই হসপিটালটা যদি আমাদের ডাক্তার থাকে তাহলে আমার খুব উপকার, খুব উপকার। तो ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ का ये लोग है भैया जी, वो जो सामने आपको हॉस्पिटल दिखा था, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं आता है। हॉस्पिटल बहुत बड़ा है लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आता है। और यहाँ पे बहुत ही तकलीफ में इन लोग रहता है, क्योंकि ये पूरा बीएसएफ एरिया है, पूरा बॉर्डर एरिया है। कुछ भी करके जाओ तो बीएसएफ को परमिशन लेना पड़ता है, बीएसएफ से परमिशन लेना पड़ता है, बीएसएफ के पास आधार कार्ड जमा देना पड़ता है, मतलब बहुत तकलीफ़ में है। अगर उस हॉस्पिटल में डॉक्टर ठीक ठाक से आ जाता तो इनका उतना तकलीफ़ नहीं रहता। দাদা কিন্তু ওটাই বললেন, এই সামনে যে ভাইয়া হ্যাঁ ভাইয়া কা তকলিফ হই হ্যাঁ, পুরা গ্রামবাসী কা তকলিফ হই হ্যাঁ, সবই লোকো কা না একই প্রবলেম হ্যাঁ, ঠিক হ্যাঁ ভাইয়া জি, তো সবই লোকো কা সেম হি প্রবলেম হ্যাঁ। ওখান পে ও যে বহুত বড়া এক হসপিটাল হ্যাঁ, লেকিন উসমে কোই ভি নেই আতা, ও পুরা বন্ধ হি পড়া হ্যাঁ, ওই বল রহা থা ও। ये देखो यार नजारा, आप अगर यहाँ पर आओ ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा इस जगह को देखकर, इतना नेचुरल ब्यूटी है। सुंदरबन में जहाँ पर भी जाओ नेचुरल ब्यूटी उभर कर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सामने ही देखो बांग्लादेश दिख रहा है, वो जो सामने ब्लैक ब्लैक ना वही बांग्लादेश है। यहाँ पे यहाँ से पूरा सुंदर दिख रहा है, लेकिन गोप्रो में सब छोटा छोटा दिखता है। तो ये जो सामने आप घर देख पा रहे हो ना, ये जो घर है, इस घर में लोग नहीं रहता है, इस घर में गाय रहता है, बकरी रहता है, गाय बकरी के लिए घर है ये वाला घर। अभी भी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, छोटा छोटा बारिश का बूंद गिर रहा है ऊपर। और यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे जो लकड़ी आप देख पा रहे हो ना, वो लकड़ी के एक लकड़ी से और एक लकड़ी, फिर सामने का लकड़ी, ये पूरा एक जाल जैसा है, मतलब जाल ही है, जैसा नहीं जाल ही है। तो जब ज्वार का पानी ऊपर आता है तो उस पानी, उस जो जाल है, जाल के अंदर मछली फंस जाता है। और फिर जब ये पानी चला जाता है तो गांव का लोग उस जाल को निकाल लेते हैं और जाल में मछली फंस जाता है। तो यहाँ का लोग मछली को ऐसे ही पकड़ते हैं। और सामने देखो ये सब मेरे तरफ घूर घूर के देख रहा है, ये क्या कर रहा है। देखो इतना सारा, ये बहुत ही क्यूट है देखो यार। और यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हो ना, छोटा छोटा दुकान है, वो भी एक दुकान है, ये भी एक दुकान है, सामने वो वहाँ पे भी एक दुकान है। और यहाँ पे ये जो जगह देख पा रहे हो, ये है यात्री प्रतीक्षालय, यहाँ पे लोग आके बैठेगा, रेस्ट लेगा, और यहाँ से टोटो छोड़ता है, ये जो टोटो, यहाँ से टोटो जाता है दुलदुली की तरफ। और इस तरफ भी देखो ऐसा ही रास्ता सामने चला गया, रास्ता सामने गया, सामने पूरा कैंप है, बीएसएफ कैंप है, उस तरफ गया, कैंप के सामने भी रास्ता चला गया। तो पूरा माहौल आपको दिखाया हूँ ऐसे ही है, पूरा शाहिब खली का माहौल। तो अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, इस जगह का नाम है शाहिब खली, और इस नदी को आप बॉर्डर मान सकते हो, क्योंकि इस नदी के उस तरफ सामने जो आप काला काला देख रहे हो ना, वो सब बांग्लादेश का एरिया है। सामने ही बांग्लादेश मैं दिख पा रहा हूँ, ढंग से दिख रहा है पूरा बांग्लादेश। वो सामने ये बीजेपी कैंप है, ये वाला उनका, उसका आर्मी का कैंप बीजेपी। और मैं अभी खड़ा हूँ पूरा इंडिया में, तो पूरा इंडिया का जो लास्ट जगह है, लास्ट मतलब कॉर्नर बोल सकते हो, पूरा लास्ट स्टेप इंडिया का। तो ये जो नदी है, नदी का नाम है कालिंदी, इस कालिंदी नदी के उस तरफ है बांग्लादेश, इस तरफ है इंडिया। तो बहुत ही खूबसूरत जगह देखो। और ये देखो अभी मैं सीधा जा रहा हूँ, ये सीधा एक स्कूल है, शाहिब खली स्कूल, शाहिब खली नित्यानंद स्कूल। और इस स्कूल को जो प्रतिष्ठा किया गया था
प्रफुल्ल चंद्र रॉय प्रतिष्ठा किया था इस स्कूल का। तो यार ये देखो साहिबखली हाई स्कूल, यहाँ का जो हाई स्कूल है ये है। देखो ये एरिया देखो यार, कितना लाजवाब है, क्या कूल लग रहा है यार। चारों तरफ देखो धान का खेती है, ये पूरा धान का खेती, इस तरफ भी धान का खेती, और मिडिल से पूरा रास्ता गया है। अगर ये पूरा एरिया ना बारिश से पूरा पानी पानी हो जाए तो ये पूरा लगेगा पूरा दो तरफ, मतलब पूरा नदी है, नदी के अंदर से एक रास्ता गया है, ऐसा माहौल लगेगा, नज़र ऐसा ही होगा। कुछ दिन बाद तो ऐसा ही होगा, अभी श्रावण का महीना है, अगर और चार पाँच दिन ज़ोर से बारिश हो गया तो पूरा माहौल ऐसा ही बन जाएगा, दोनों तरफ पानी ही पानी लगेगा, पूरा नदी के अंदर से एक रास्ता गया है। तो चलो यार इस वीडियो को हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं। तो पूरा इस एरिया को मैं आपको दिखाया हूँ, बांग्लादेश का नज़दीक का जो सुंदरबन एरिया है वो कैसा दिखता है। आज का वीडियो इतना ही।